वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गो मैं हूं असनूर रहमान, आप सभी को मेरे YouTube चैनल ज़ुबीन गर्ग मोटर कैसे में स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा। दोस्तों मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाने वाला हूँ टाटा ऐसे जी BS3 और BS4 का ये जो टेंगुलर है, टेंगुलर का फूसिंग कैसे सेंस करना है। सो लिए देखते हैं वीडियो को लास्ट तक। अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना और नए है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देख लीजिए कैसे कैसे खुलना है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा आसान और ब्लॉग, उसको फिर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। नए अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों देख लीजिए ये जो BS3 है, इसका सबसे पहले चक्का को खुलना पड़ेगा और ये 18 नंबर बोल्ट को खुलना पड़ेगा दोनों को। और उसके बाद जो ये एक्सेल है, देख लीजिए ये डाइशाफ है, डाइशाफ का जो नाट है टेंगुलर में लगा हुआ, चक्का के साथ लगा हुआ रहता है, वो नाट खुलना पड़ेगा 24 नंबर वाला। उसको खुलने के बाद ये टेंगुलर बाहर आ जाएगी, देख लीजिए कैसे कैसे खुलना है। दोस्तों देख लीजिए ये सोकेट जंपर है, सोकेट जंपर फिर बाहर निकलना है और ये टेंगुलर का बोल्ट है, इसको भी खुलना ज़रूरी है। तो ये खुलने के बाद ये टेंगुलर बाहर आ जाएगी और जो ये स्प्रिंग है बाहर निकलना है और ये टेंगुलर बाहर आ जाएगी और यहाँ पर 24 नंबर नाट लगा रहा है तो वो फिर खुलना पड़ेगा। और ये कंप्लीट खुलने के बाद ये टेंगुलर बाहर निकालेंगे और ये स्प्रिंग भी बाहर आ जाएगी, यहाँ पर नाट भी खुलना पड़ेगा, ये सोकेट जंपर बाहर निकलना है। देख लीजिए कैसे कैसे खुलना है, आप लोग लास्ट तक देख लीजिए, समस्या आ जाएगी। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर मेरा जो डाइशाफ का, इस चक्का का डाइशाफ का प्रॉब्लम था वो खुल के सॉल्व किया था, वो भी वीडियो है, मिल जाएंगे। और एक सा एग्जैक्ट सही है टेंगुलर को खोलने के लिए और उठाने के लिए ऊपर, तो आपको बहुत प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी जेक है। तो देख लीजिए कैसे कैसे खुलना है। तो पहले से इस ऐसा वीडियो दिखा था कैसे खुलना है, ये वीडियो सेम टू सेम, तो देख लीजिए ज़रूर। अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। देख लीजिए ऐसा एक सोके जंपर को बाहर निकलना है और ऐसे धीरे धीरे सोके जंपर को निकल के थोड़ा डाउन करना है, डाउन करने के बाद सोके जंपर को बाहर निकलना है। तो देख लीजिए और इसे फिजिक को नीचे की तरफ से करना है, देख लीजिए नीचे हो रहा है। नीचे होने के बाद जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को बाहर निकालना है, स्प्रिंग को बाहर निकालने के बाद और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को बाहर निकालने के लिए जेक को डाउन करना पड़ेगा। डाउन करने के बाद स्प्रिंग ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी और देख लीजिए स्प्रिंग के अंदर एक फुशिंग लगा हुआ रहता है, बुटके लगा हुआ रहता है, वो हम लोग खुद लगाया है। तो ये ओरिजिनल में जो आता है ये बुटका नहीं आता है, ये हम लोग खुद फिटिंग किया है, AP3 व्हीलर का बुटका है। तो देख लीजिए कहाँ पर फिटिंग आता है, यहाँ पर, और जो ऊपर की तरफ से कंपनी से आता है, कंपनी से नहीं काम करता है इसलिए हम खुद वो फिटिंग किया है। और उसके बाद ये टेंगुलर को बाहर निकाला है हम लोग, यहाँ पर 18 नंबर बोल्ट लगा हो रहता है और नट रहता है, इसको ये खुल लिया हम लोगों ने। तो देख लीजिए वीडियो को अच्छा लगे ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देख लीजिए वीडियो और इसे खुलने के बाद टेंगुलर बाहर आ जाएगी, देख लीजिए इसे बाहर निकल गया है। और अभी इस जो फुशिंग है टेंगुलर के ऊपर फुशिंग दो लगा हो रहा था, उसको खुलने कैसे बाहर निकलना है, फुशिंग को ये फुशिंग बाहर कैसे निकलना है आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, जरूर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूँगी। देख लीजिए दोस्तों कैसे खुलना है, जो एग्जैक्ट सही है, आप लोगों को कोई प्रेशर लेथ मशीन में ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है आपका टेंगुलर। तो ऐसे जो जेग है आपका, जेग से इसे बाहर निकल सकते हैं, फुशिंग बाहर ज़रूर आ जाएगी अच्छे से। आप लोग भी इसे बाहर निकालना है, आराम से बाहर निकलने के बाद जो नया वाला फुशिंग है वो भी डालना है, कैसे कैसे डालना है, कैसे कैसे फिटिंग करना है आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लेना लास्ट तक, जरूर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिए, आप लोग जितना लाइक करोगे उतना मुझे वीडियो बनाने का मन करता है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करके मेरा वीडियो देखते हो उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियो देते रहूँगी ऐसे। दोस्तों आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिए, जैसे सपोर्ट कर रहे हो ऐसे ज़रूर सपोर्ट करते रहिए मेरे को, तो ऐसे अच्छे अच्छे ज़रूर वीडियो मिलते रहेगी आप लोगों को। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करके वीडियो देखते हो। और ये फुशिंग बाहर आ गया है, और एक है उसको भी बाहर निकालना है, देख लीजिए दोनों फुशिंग को बाहर निकाल रहा हूँ और कैसे दोनों फुशिंग को फिर फिटिंग कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और कैसे फिटिंग करना है आप लोगों को ज़रूर पता चल जाएगी। और कोई लेथ मशीन में जाके आप लोगों को दोबारा परेशानी होना ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही ऐसे फिटिंग कर सकते हो फुशिंग को। तो देख लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो और एक बात है, जो टेंगुलर के साथ ब्रेक शू पाइप लगा हुआ रहता है, यही एक प्रॉब्लम आता है क्या, जो
ट्रेंगुलर खुल के बाहर निकलने के बाद ब्रेक का हवा निकल एयर निकलना पड़ता है, तो इसलिए मैं ऐसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ ऐसे करना है। तो आप लोगों का कोई ब्रेक का परेशानी नहीं होगा, तो ऐसे करते रहिए तो कोई ब्रेक का ही प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्रेक का एयर नहीं लेगा, ब्रेक का एयर निकलना नहीं सही आपको, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग ट्रेंगुलर को आराम से रखना है ताकि ब्रेक पैड टूट ना जाए, तो यही ध्यान रख के आप लोग ऐसे काम कर सकते हो खुद। तो आप लोगों को हेल्प से सुविधा के लिए ऐसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अच्छे लगे तो शेयर भी कर दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और एक लाइक भी कर देना, तो कमेंट भी करके बताइए कैसे लगा ज़रूर। तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेरा सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा आसानुर ब्लॉग्स, उसको भी जाके सपोर्ट कीजिए। थोड़ा आप लोगों का हेल्प चाहिए उन चैनल पर, ताकि मैं दो चैनल चला रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल कभी ना कभी जो ख़राब हो जाएगी तो फिर उस चैनल में आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो भी दे सकूँ, इसलिए दोनों चैनल को मैंने चला रहा हूँ अभी। तो आप लोग ऐसे उस चैनल को सपोर्ट करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। तो देख लीजिए मैंने दोनों फिटिंग को बाहर निकल लिया, अभी फिटिंग नया वाला फिटिंग करूँगी, ये ख़राब हो चुका है देख लीजिए, तो इसलिए टायर एक साइड खा रहा है, और इस ट्रेंगुलर फिटिंग जाने के बाद टायर बाहर निकलता है, ऊपर की तरफ से जाता है और नीचे की तरफ से बाहर आता है, ये प्रॉब्लम होता है। इसके लिए ट्रेंगुलर के अंदर जो फुटिंग जहाँ पर लगा हुआ रहता है वहाँ पर ग्रीस लगाना है, और नया वाला जैक से एसी प्रेशर डाल के अंदर घुसाना है फुशिंग को। तो देख लीजिए कैसे हम अंदर घुसाते हैं, आप लोग ऐसे घुसाना है अंदर फुशिंग को। तो ज़रूर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए आप लोगों को दोस्तों के पास, जिसके पास गाड़ी है वही उसके पास भेज दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। देख लीजिए मैं फुशिंग अभी नया वाला डाल रहा हूँ अंदर, ऐसे जैसे हम खुल रहा था वैसे फिटिंग कर रहा हूँ अभी, तो कोई परेशानी वाला नहीं है, आराम से खुलना है, आराम से फिटिंग करना है, और ट्रेंगुलर कैसे कैसे खुलना है, कैसे कैसे फिटिंग करना है, और एक वीडियो मिल जाएगी ए टू जेड कैसे गाड़ी का काम करना है आप लोगों को, ए टू जेड वीडियो मिलेगी मेरा इस चैनल पर, ताकि मेरा जो ज़ुबीनगर्ग मोटर गैरेज है मेरा, वो अभी तक काम कम्प्लीट नहीं हुआ है। काम कम्प्लीट होने के बाद जब दुकान रनिंग हो जाएगी, गैरेज रनिंग हो जाएगी, तो मेरे दुकान पर जो ही काम आ जाएगी वही काम रिकॉर्ड करूँगी और वही अपलोड कर दूँगी, और अच्छे अच्छे वीडियो ज़रूर मिलते रहेगी मेरे इस चैनल पर। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोग को कंटिन्यू वीडियो मिलने का चांस है आप लोगों को, जो भी काम आ जाएगी तो भी आप लोगों को मिल जाएगी, जो काम करूँगी वो भी मिल जाएगी मेरे इस चैनल पर। और आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक फुशिंग अंदर तो घुस गया, आप लोग देख लीजिए, तो इस बार बाहर की तरफ से जो फुशिंग रहता है वो भी अभी डाल दूँगी, देख लीजिए कैसे अंदर घुस रहा है देख लीजिए। और आप लोग थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करेगा। आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना मुझे वीडियो बनाने का मन करेगा, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे वीडियो बनाने का नहीं मन करता है। और जो पोस्टिंग जो है वो बाहर आया है या नहीं आया है वो देख रहा हूँ अभी, तो बाहर आ चुका है, तो स्क्रू ड्राइवर से देख रहा हूँ जो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो देख लीजिए फिटिंग तो कंप्लीट से हो चुका है। तो आप लोग ऐसे फिटिंग कंप्लीट करना है, और जो ट्रेंगुलर है ट्रेंगुलर को कैसे फिटिंग करना है आप लोगों को दिखाऊंगे, जो दोनों फुशिंग को हम लोग फिटिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ देख लीजिए। तो आप लोग फुशिंग जो आराम से बिठाना है देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ स्क्रू ड्राइवर से, मैं जो फुशिंग है फुशिंग बाहर आया है या नहीं आया है वो चेक कर लिया मैंने, तो देख ये फिर सेकेंड टाइम जो दूसरी वाला है इसको अंदर घुस रहा हूँ, और ये जो फुशिंग है इसको आराम से लगाना है, जो आराम से नहीं लगाओगे तो ये बाहर आ जाएगी और प्रॉब्लम आ जाएगी, चेक का पैसा आराम से नहीं दोगे तो फिर ये फुशिंग जो टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए आराम से करना है, आराम से फुशिंग को मिडिल में रह के ये जेक से प्रेशर देना है, तो तभी फिटिंग हो जाएगी। तो देख लीजिए, तो ये ऐसे फिटिंग करना है, क्या प्रॉब्लम देता है कैसा प्रॉब्लम देता है आप लोग देख लीजिए अंदर घुसाने में। तो आप लोग ऐसे आराम से फिटिंग करना है,
कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग देख लीजिए। बहुत अच्छा लगा तो मेरा इस वीडियो तो शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। ऐसा अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को सामने ले आया हूँ, तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो और इसे सपोर्ट करते रहिए, तो मेरा चैनल को और आगे लीजिए। आप लोगों का मेरा मेहनत और आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरत है। मैं आप लोगों को ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो कर के अपलोड करूँगे, मेहनत करूँगे, और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो ज़रूर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार कह रहा हूँ। और देख लीजिए फिटिंग तो कंप्लीट बैठ चुके हैं, कंप्लीट फिटिंग हो गया है, देख लीजिए एकदम फिट फाट बैठा है फिटिंग, कैसे कैसे बैठाया हूँ मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। तो अभी टेंगुलर को फिटिंग करना है, तो देख लीजिए, ज़रूरत से लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देख लीजिए दोनों फिटिंग फिटिंग हो चुका है, दोनों को फिटिंग कर दिया हमने, डन। अभी इसको फिटिंग करने का देख लीजिए, ये टेंगुलर ऐसे फिटिंग करना है जो हम लोग जो एक्स टाई शॉप का भी काम किया था, वो तो वीडियो देख लेता था, नहीं दिखाया तो आई बटन में आ जाएगी, तो देख लेना, और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। तो अभी एक्सेल को फिटिंग करना है, जो डाइशाफ है, डाइशाफ फिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ये आराम से फिटिंग करना है, आराम से फिटिंग नहीं करोगे तो जो डाइशाफ का ऑयल सेल है, ऑयल सेल टूट जाएगी, ऑयल सेल टूट जाएगी तो फिर आपका गियर ऑयल बाहर आ जाएगी। तो देख लीजिए ऐसे फिटिंग करना है डाइशाफ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और टाइशा फिटिंग करने के बाद टेंगुलर में इसे फिटिंग हो गया है। तो टेंगुलर कैसे फिटिंग हुआ है तो ये रिकॉर्ड कर नहीं सका, क्योंकि मैं वीडियो कर नहीं पाया, तो इसके लिए आप लोगों को मैं दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए यही, तिल देन टाटा बाय बाय, दूसरी वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।